तो कुछ कुछ नए नए बच्चे अभी ज्वाइन हुए थे, मतलब 9th से तुम 10th में गए होगे, तो कुछ कुछ चीजें मैं पहले ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूँ, तो मैं अपने अकॉर्डिंग स्टार्टिंग से हर चीज बता रहा हूँ, ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। तो क्योंकि न्यू न्यू बच्चे भी ज्वाइन हुए हैं, तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बिल्कुल लेक्चर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर एक एक चीज अगर तुम लिखे। सबको आवाज आ रही है? सबको आवाज आ रहा है क्या? ओके, तो फिर अनिकेत को क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? अनिकेत उपचार करवाओ, डॉक्टर के पास जाओ। फिर बोल रहा है नॉट ऑन, सब बोल रहा है हाँ, सही सही चेक करो, आवाज आ रही है सबको? यस, अरिज वॉइस इज क्लियर, बिल्कुल ओके। चलो तो यहां हम देखते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो मैं तुम्हें सबसे पहले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में ग्रुप का नाम लिखवा रहे हैं, ठीक है? तो ऑलरेडी तुम लिखे भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो पहले से जानते हो एज ए रिवाइज हो जाएगा। और तो हम जानते हैं कि ग्रुप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल टोटल जो है वो 18 एलिमेंट, 18 ग्रुप होते हैं। तो 18 ग्रुप में क्या होता है कि हमें सबका नाम याद करना जरूरी होता है। तो नाम याद करने के लिए मैं तुम्हें कुछ ट्रिक बता रहा हूं, उसको ध्यान से समझना। मैं 1 बाय 1 लिखवा रहा हूं, ग्रुप नंबर 1 का, ऐसे ही लिखोगे, ग्रुप नंबर 1 का ह ली ना के रब से फरियाद। ये नाम याद करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके बिना काम नहीं होने वाला है। हलीना, ह ली ना, और घर पे एक दो बार लिख के इसको ट्राई करोगे, ह ली ना के रब, RB फॉर रब, CS फॉर से, और A फॉर फरियाद। एक दो बार याद करोगे तो याद हो जाएगा कि किसको हमें लिखना है, ठीक है? तो हलीना के रब से फरियाद, हलीना के रब से फरियाद। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 तुम लोग का, ये मैं असाइनमेंट, सॉरी असाइनमेंट नहीं, ये थ्योरी वाला निकाल दिए क्या? इसमें से सिनोप्सिस वाला कौन दिया? ये तुम लोग का DPP तैयार किया हूं, वो अलग किए क्या? पढ़ने में दिमाग ही खराब हो जाएगा, सीधा सीधा निकाले, छोटा छोटा वर्ड दिखेगा, अभी बाद में निकलते, ठीक है? तो तुम लोगों का DPP तैयार कर दिया, मतलब DPP बोले तो ये इसका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या याद कर, तुम लोगों का क्वेश्चंस और सिनोप्सिस, ठीक है? ये चीजें मिल जाएंगे, या तो PDF मिल जाएगा, और नहीं तो अगर आओगे तो अभी तो मैं PDF ही भेज दूंगा, क्योंकि तुम अभी आओगे नहीं, तो आज मैं इवनिंग को सर से बोलता हूँ PDF भेजने के लिए, ओके? तो ग्रुप नंबर 2 स्टार्ट होता है। अच्छा, इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो ये नाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिंबल याद रखना, हलीना के रब से फरियाद। सेकेंड है, बेटा मांगे कार
स्कूटर बाप रोए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम। बी फॉर बीई फॉर बेटा, एम जी फॉर मांगे, सी ए फॉर कार, एस आर फॉर स्कूटर और बी ए फॉर बाप, आर ए फॉर रोए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। अब हम डायरेक्ट आते हैं ग्रुप नंबर 13 पर, जो डी ब्लॉक है वो हम बाद में देखेंगे। ग्रुप नंबर 13 बोरॉन फैमिली, बोरॉन फैमिली डायरेक्ट आते हैं। बेटा मांगे कन्या सुंदर राजी बाप राजी, हाँ ये भी चलेगा। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ठीक ही है, मांगो कन्या बाप घुसेड़ मारेंगे, मांग के देखना, नहीं घुसेड़ मारे ना। नेक्स्ट है ग्रुप नंबर 13, बैंगन आलू गाजर इन थैला या बाल गंगाधर इंडियन तिलक। बी फॉर बैंगन, बैंगन ए एल फॉर आलू, बैंगन आलू जी ए फॉर गाजर, आई एन फॉर इन और टी एल फॉर थैला या बाल गंगाधर इंडियन तिलक। एक ही याद रखना है, ज्यादा हमें मैजिक नहीं दिखाने हैं, ठीक है, क्योंकि हमें याद रखने से मतलब है। तो बाल बैंगन आलू गाजर इन थैला। नेक्स्ट है ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 14 है कार्बन फैमिली। कहे शिव जी सुनो पार्वती, कहे शिव जी, कहे शिव जी, ये जी है, सुनो पार्वती, पार्वती, कहे शिव जी सुनो पार्वती, ठीक है, कहे शिव जी सुनो पार्वती। एक क्या भेजा, कौन है ये, कौन महात, पूरा नाम नहीं आ रहा, सर विल नॉट एक्सप्लेन डीप सर, मतलब यू विल नॉट एक्सप्लेन डीप सर, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ, अभी क्या डीप में जाओगे, कौन है ये, पहले दिन डुबकी मार गए क्या, जो चीज सिखा रहा हूँ आराम आराम से सीखो। डिप और ऊपर समय के साथ होता है। नेक्स्ट है ग्रुप नंबर 15, ग्रुप 15, ग्रुप 15 जो है वो है न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। इन फॉर न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, पी फॉर पाकिस्तान, एस फॉर ऑस्ट्रेलिया, एस बी फॉर सब और बी आई फॉर भिखारी।
हमें हर चीज सीक्वेंस वाइज पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि हायर के चक्कर में कहीं लोअर मत बेसी ना बने। तो ये हमने ग्रुप नंबर 15 लिख लिया। तो ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 13, 14, 15 हमने लिखा। 16 देखो, 16 ग्रुप नंबर 16 है, ग्रुप नंबर 16 हो जाएगा ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओल्ड स्टाइल से टीपो, टीपो टीपो मतलब निशाना लगाना। ओल्ड स्टाइल से टीपो, लिख लिए सबने। ओल्ड स्टाइल से टीपो, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रुप नंबर 17 का। ग्रुप नंबर 17 का फिर कल बाहर आएंगी आंटी, फिर कल बाहर आएंगी आंटी, फिर कल बाहर आएंगी आंटी। नेक्स्ट है ग्रुप नंबर 18, हिमांशु नेहरा अगरकर हिमांशु नेहरा अगरकर जीरो रन, अगरकर जीरो रन, हिमांशु नेहरा अगरकर जीरो रन। ये हमने तुम्हें बता दिया ग्रुप नंबर 18 तक, ठीक है। अब डी ब्लॉक और ए ब्लॉक वो आगे बताएंगे समय के साथ, क्योंकि हम जब पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे होंगे तो उससे ज्यादा हमें यूज एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का यूज आएगा। ये लिख लिए होंगे सबने। अब मैं यहां से एक एक ग्रुप को एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। देखो यहां पीरियोडिक टेबल में अभी मैं वन बाय वन ग्रुप को एक्सप्लेन करूंगा। अब पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 1 का, ग्रुप नंबर 1, तो ग्रुप नंबर 1 जो होता है उसको हम बोलते हैं अल्कली मेटल। पहला पॉइंट, इट इज कॉल्ड अल्कली मेटल, अल्कली मेटल।
ठीक है, ग्रुप नंबर वन में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है इज नॉट ए पार्ट ऑफ अल्कली मेटल। हाइड्रोजन अल्कली मेटल का पार्ट नहीं होता है क्योंकि ये अपने आप में हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है। तो हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल। तो हम बेरिलियम, सॉरी, हम लिथियम से लेके फ्रेंसियम तक को हम बोलते हैं अल्कली मेटल। तो हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल, तो फिर इस ग्रुप में क्यों रखा गया इसको जब बोला ही नहीं जाता है? तो इसका वैलेंसी जो है वो बाकी एलिमेंट से मैच करता है। तो हाइड्रोजन हैज सेम वैलेंसी ऑफ रेस्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ अल्कली मेटल, इसीलिए इसको इस ग्रुप में रखा जाता है। अब हमारे पास एक क्रॉस क्वेश्चन आ सकता है क्या कि जब हाइड्रोजन अल्कली मेटल का पार्ट नहीं है तो हाइड्रोजन इसको ग्रुप नंबर वन में क्यों रखा जाता है? उसका रीजन ये है कि इसका वैलेंसी इससे मैच करता है, इसीलिए इसको ग्रुप वन में रखा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हाई इट इज कॉल्ड अल्कली मेटल, तो जो इसके ऑक्साइड का, जो सॉल्यूशन होगा, यानी ये जो अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है, यानी कि ये बेसिक सॉल्यूशन बनाता है, तो इट फॉर्म बेसिक सॉल्यूशन या अल्कलाइन सॉल्यूशन, इट फॉर्म अल्कलाइन सॉल्यूशन। जैसे अगर एग्जांपल में बात करें कि सोडियम को अगर ऑक्सीजन में अगर हम बर्न कराएंगे तो बनेगा सोडियम ऑक्साइड, और जब सोडियम ऑक्साइड को पानी में डाल दोगे ये बन जाएगा NaOH, और NaOH क्या होता है, बेस होता है, बेसिक बेस होता है। तो इसीलिए इसको हम अल्कलाइन मेटल के नाम से जानते हैं। तो हाइड्रोजन इज नॉट ए पार्ट ऑफ अल्कलाइन मेटल क्योंकि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। इस ग्रुप में क्यों रखा गया है? तो क्योंकि सेम एलिमेंट और इसका वैलेंसी मैच करता है, इसको अल्कलाइन ऑर्थोमेट, सॉरी, अल्कलाइन क्यों बोला जाता है? तो इसको हम बोलते हैं इसलिए क्योंकि ये अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है। जैसे सोडियम को ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, और सोडियम ऑक्साइड को पानी में डालेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जो कि बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस ग्रुप का जनरल कॉन्फिगरेशन, जनरल कॉन्फिगरेशन जो होता है वो होता है NS1। अब ये क्या होता है, अगर मैं पिछले लेक्चर में बताया हो तो सही है, और नहीं बताया है तो कॉन्फिगरेशन बताने के बाद बताऊंगा कि जनरल कॉन्फिगरेशन क्या होता है। बस तुम लिख लेना कि इसका जनरल कॉन्फिगरेशन NS1 होता है, जहां N1-7 तक बिलोंग कर सकता है। मीनिंग क्या है इसका, अगर जानते हो तो बेटर है, नहीं जानते हो तो कॉन्फिगरेशन जब मैं बता लूंगा तो उसके बाद इसको चीज को डिस्कस करेंगे। तो इट्स जनरल कॉन्फिगरेशन इज NS1। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर हम बात करें कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, अगर हम नॉर्मली बात करें कि टॉप टू बॉटम अगर हम जाएंगे तो रिएक्टिविटी क्या होगा, तो देखो पहला हम पॉइंट लिख लेंगे, टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी विल इंक्रीज,
यानी लिथियम सबसे कम रिएक्टिव है और फ्रेंसियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। अब इसका हमें रीजन एक्सप्लेन करना होगा कि आखिर रिएक्टिविटी क्यों इंक्रीज हो रही है। तो देखो यहां से हम ये बोलेंगे टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन इंथैल्पी। अब ये आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है, ये जो जानते हो तो सही है, नहीं जानते हो तो इसको स्टार लगा लेना, जब आगे मैं पढ़ाऊंगा तो एक्सप्लेन करूंगा। टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन इंथैल्पी विल डिक्रीज हेंस फ्रेंसियम लूज देयर इलेक्ट्रॉन इजिली। दैट्स वाई इट बिकम केटाइन एंड टेक पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। ध्यान से समझना आ गया, बस यहां पर एक अननोन टर्म है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मीनिंग नहीं भी जानते तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, मैं ऐसे समझा रहा हूं। हमारा रिएक्टिविटी जो ऑर्डर है वो इंक्रीज करेगा टॉप टू बॉटम, पहला पॉइंट तो ये है। अब कोई पूछे कि रिएक्टिविटी क्यों इंक्रीज करेगा, व्हाई रिएक्टिविटी विल बी इंक्रीज, तो हम बोलेंगे ऐसे समझो कि इलेक्ट्रॉन्स लूज करने का टेंडेंसी, यानी लिथियम से लिथियम प्लस बनने का टेंडेंसी और फ्रेंसियम से फ्रेंसियम प्लस बनने का टेंडेंसी, तो फ्रेंसियम से फ्रेंसियम प्लस बनने का टेंडेंसी बहुत ज्यादा होता है। और उसका फिर से क्या है रीजन कि फ्रेंसियम से फ्रेंसियम प्लस जल्दी क्यों बनेगा, तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है, यानी फ्रेंसियम जो है अपना इलेक्ट्रॉन आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर देता है और लूज करके क्या बनता है केटाइन, ये है केटाइन, और जितना जल्दी लूज करेगा उतना जल्दी वो केटाइन बनेगा, और केटाइन अगर बन गया तो वो जल्दी से रिएक्शन में क्या करेगा पार्टिसिपेट करेगा। तो अगर तुम आयोनाइजेशन एनर्जी को हटा भी दो, इंथैल्पी को हटा भी दो, तो ये बोलना कि फ्रेंसियम के पास केटाइन बनने का टेंडेंसी ज्यादा होता है इसलिए वो रिएक्शन में जल्दी से पार्टिसिपेट कर जाता है, क्या ये समझ में आया या नहीं आया? Do you understand why top to bottom reactivity will be increased? सबको क्लियर हो गया? Because francium will be lose their electrons more easily and when it become cation then it will be easily take participate in the reaction. क्योंकि केटाइन को एनायन चाहिए होता है। चलो सबने लिख लिया होगा, ये मैं वन बाय वन तुम्हें पहले एक एक ग्रुप का नॉलेज दे रहा हूं मैं, ठीक है, कि एक एक ग्रुप का नॉलेज के बाद फिर हम कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने के बाद फिर हम रेडियस में जब एंट्री मारेंगे तब वहां से डीप में एंट्री करेंगे। ये सब चीजें बेसिक इंफॉर्मेशन बेस पे मैं बता रहा हूं, तो ये इंफॉर्मेशन बेस पे चल रहा है। लॉजिक टॉपिक जब रेडियस स्टार्ट होगा तब हम आएंगे, तो ये अभी का जो लेक्चर चल रहा है वो मेनली इंफॉर्मेशन बेस पे चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, मेटल का प्रॉपर्टी क्या होता है। हम लिखेंगे कि टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर विल बी इंक्रीज। टॉप टू बॉटम मेटल का कैरेक्टर यानी मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है,
टॉप टू बॉटम मेटालिक करेक्टर विल बी इंक्रीज। अब हम बात करेंगे रीजन क्या है। तो रीजन समझने के पहले हम ये जानेंगे कि मेटल किसको बोला जाता है। तो मेटल के पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ज्यादा होता है, ध्यान से समझना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ज्यादा होता है। अब ये बात रहा कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव किसको बोला जाता है, तो जो इजिली अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, और लूज करने के बाद क्या बन जाए, केटायन। यानी हम मेटल उसको बोलते हैं जिसके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर किसको बोलेंगे, जो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दे, लूज कर दे। लूज कौन करेगा, केटायन करेगा। मतलब लूज करके क्या बन जाए, केटायन बन जाए। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि लिथियम अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा या फ्रेंसियम अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा। जल्दी से मुझे बताओ कौन अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा। तो एक आंसर आया हस्ती अरिज, अनिकेत अरिज, जिगेश, फ्रेंसियम। अब मुझे चलो अभी इसमें ज्यादा जंबलिंग नहीं करते हैं। फ्रेंसियम अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर देगा, यानी केटायन बनने का टेंडेंसी किसके पास है, लिथियम के पास या फ्रेंसियम के पास है। केटायन बनने की टेंडेंसी किसके पास है, फ्रेंसियम के पास है। तो हम लिखेंगे कि पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे कि टॉप टू बॉटम टेंडेंसी टू बिकम केटायन इजली या इंक्रीज। कहने का मतलब ये हुआ कि टॉप टू बॉटम जो है वो टॉप टू बॉटम टेंडेंसी टू बिकम केटायन इंक्रीज। अच्छा मुझे ये बताओ कि फ्रेंसियम जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करेगा, क्योंकि देखो एक चीज से जुड़ा हुआ है और मैं सारा चीज अभी इसमें पढ़ाया नहीं हूं। तो मैं अभी सारा चीजें कनेक्ट करवा नहीं पा रहा हूं, इसलिए कि मैं सब चीज अभी पढ़ाया नहीं हूं। तो याद रखना टॉप टू बॉटम केटायन बनने का टेंडेंसी ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि साइज विल इंक्रीज। अब साइज कैसे बढ़ेगा ये हम आगे पढ़ेंगे, तो ज्यादा इसलिए मैं जंबलिंग नहीं कर रहा हूं। इसमें बहुत सारी चीजें हम जंबलिंग कर सकते हैं। साइज विल इंक्रीज, तो अब समझ में आ गया होगा कि टॉप टू बॉटम मेटालिक करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बॉटम वाला का ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है। क्यों करता है, वो जल्दी से केटायन बनना चाहता है। क्यों बनना चाहता है, क्योंकि साइज उसका ज्यादा होता है, इसलिए वो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। ये सबको क्लियर हो गया होगा, और इसमें और लिंक हम करेंगे, ठीक है, तो आगे पढ़ाने के बाद। तो ये मैं सब अभी लिखवा रहा हूं, अभी ज्यादा इसमें मत सोचना कि ये चीजें आयनाइजेशन एन्थैल्पी कहां से आ गया। वो जब मैं इसलिए बता दे रहा हूं, जब आगे पढ़ाऊंगा तो इससे रिलेट होगा, ठीक है। तो मैं मैडम को बोल दे रहा हूँ डीपीपी देने के लिए। ओके, थैंक्स टू ऑल।